हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर हम सनराइज़ यूनिवर्सिटी के बारे में आ गए हैं। हमने यूनिवर्सिटी को पर्सनली विज़िट किया और यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर जितेंद्र यादव ने खुल के यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में बोला और बैकडेटेड काम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने क्लियरली बैकडेटेड डिग्री को फेक बताया और बताया कि पुरानी मैनेजमेंट ने ऐसे कुछ काम किए थे जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम हुई है, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल अप्रूवल्स के बारे में भी जानकारी दी। तो पूरा एक लाइव वीडियो जो हमने बनाया उन्हीं की ज़ुबानी सनराइज़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, चलिए हम आपको दिखाते हैं सो दैट आपको सनराइज़ यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अप्रूवल का पता चल सके और आपको इस यूनिवर्सिटी के जो बैकडेटेड के प्रोग्राम्स पहले हुए हैं उनका क्या रोल है, क्या किस्सा है और बच्चे वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। आपके यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, करीब 2 एडमिशन में दे चुका हूँ सर, और 2-3 एडमिशन और होंगे। 2-3 क्वेश्चन थे हमारे सर। पहला सर ये है कि जैसे पैरामेडिकल के कोर्सेज का जो अभी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी जी, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सर? मैं वही बता रहा हूँ, आज तक तो राजस्थान में काउंसिल थी नहीं, अब काउंसिल बनी है तो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, काउंसिल का अप्रूवल है, रजिस्ट्रेशन होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सीट लिमिटेड हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। और लिमिटेड सीट है तो फिर मैं प्लान बी लगाऊंगा, फीस बढ़ा दूंगा। अच्छा, फीस बढ़ा देंगे, लेकिन हमारे सीट से ज्यादा काउंसिल नहीं है, मैं फीस कम ले, बहुत सारे स्टेट में काउंसिल है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो रूल तो मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? देखो, रेवेन्यू तो जनरेट करने पड़ेगा ना। देखो, यूनिवर्सिटी को रेगुलर चलाने के लिए खर्चे चाहिए, खर्चे आप ही लोगों से जनरेट करने हैं मुझे। उसके लिए दो ही तरीके, या तो मैं बैकडेटेड और बेईमानी करूँ, वो करनी नहीं है, तो फिर मैं एक अच्छी हैंडसम फीस स्ट्रक्चर बनाऊँ और आप लोगों से लूँ और आपको क्वालिटी दूँ। जैसे 200 बच्चे हमारे हो जाते हैं, सीट अगर 120 मिलेगी सर, मैं मान लो आज इस कोर्स के 50,000 है, मैं उसके 1.5 लाख कर दूंगा, फिर आपसे 200 आप भर लेना, मुझे क्या आपत्ति है? नहीं समझे भाई, फीस बढ़ाऊंगा, फिर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो ले जाओ। मेरे लिए तुम सारे भाई हो, सारे ब्रोकर हो, तुम सबसे यूनिवर्सिटी चलती है। मेरे लिए ऐसा ही तो 200 एडमिशन देने वाला है, ऐसा ही 2 एडमिशन देने वाला है। ठीक है, मैं कभी भेदभाव करता ही नहीं। एक क्वेश्चन था कि पैरामेडिकल में आपके ये पीएचडी कोर्सेज कब से स्टार्ट हो जाएंगे? पैरामेडिकल में पीएचडी कोर्सेज तो अभी करवाने स्टार्ट करते हैं, काउंसिल आते ही। अच्छा, काउंसिल आते ही होगा तुरंत? जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि करना चाहते हैं पीएचडी, तो कब तक है पॉसिबिलिटी? 3 महीने का कोर्ट का आदेश है, उनको 3 महीने में देनी पड़ेगी, उनको मजबूरी होंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी था, एक लखनऊ में कोई सेंटर था, वो बच्चों को सनराइज यूनिवर्सिटी के नाम से रसीद छाप के दे रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी सनराइज के नाम पर रसीद छाप के दे सकता है? मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आप लोगों के एक लेटर देता हूँ उसमें क्लियर कट मेंशन है, आई कार्ड, स्लिप, सब चीजें, सारे टेस्टिमोनियल यूनिवर्सिटी के एंड पे यूनिवर्सिटी से जारी होंगे, लेकिन मैं एक एक आदमी से लड़ने नहीं जाऊंगा। अभी मेरी यूनिवर्सिटी के नाम पे भिवानी में किसी ने एक बीए की मार्कशीट छाप के दे दी और वो बच्चा ग्रेजुएशन के बेस पे, 12th के बेस पे हरियाणा पुलिस की भर्ती होती है और ग्रेजुएशन के कुछ 2-3 मार्क्स थे, तो उसके बेस पे बच्चा हरियाणा पुलिस में सरकारी लग गया। अब वो बड़े बड़े जैक अप्रोच लगा के यहाँ आए थे और मैंने मना कर दिया, हमने फेक डिक्लेयर करके भेज दिया। वहाँ जो छापने वाला था उसको पंचायत करके सर हम झुकते लगे हैं, उसके खिलाफ FIR हुई है, तो परमानेंट इलाज हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी वेरिफिकेशन आता है तो जो फेक है उसका हम सेम डे फेक करके देते हैं, ओरिजिनल हो सकता है एक दिन लगा लें, तो दोबारा चेक कर लो भाई, ठीक है? तो मैं पहले भेजो इसको, ताकि छापने वालों का इलाज हो। हमसे पहले क्या होता था कि जो पहले मैनेजमेंट थी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं चला गया, मैंने कहा जी मैंने 200 मार्कशीट छाप दी, तो मैनेजमेंट बोलती थी कोई बात नहीं, आप फीस दे दे चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ अब ये रवैया नहीं है, अब कोई 5 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, जब भी नहीं करूंगा, सिर्फ जिसकी फीस नहीं है जिसके लिए उसी के लिए लायबल है, और चाहे कोई आ जाओ मान लो मैं देखेंगे सर जी। अब मैं आपके वहां एक रसीद के लिए लड़ने थोड़ी नहीं जाऊंगा, नहीं वो भुगतेगा, जो भी होगा इलाज हो जाएगा उसका, लीगल एक्शन तो होना चाहिए सर, हो जाएगा लीगल एक्शन अपने आप। जैसे यहाँ आया तो मैं, बच्चे ने रसीद ले, इसका मतलब आगे कुछ और मिलेगा,
तो लेगा जब हमारे पास आएगा तो हम उसको फेंक बताएंगे, तो अपने आप बच्चा ही मुकदमा दर्ज कराएगा, हमें तो टेंशन ही नहीं। ठीक है।